ड्यूसी शमाली वजीरिस्तान में जर्जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने हसुखेल कबीले के मशरान से मुलाकात की। मुलाकात में इलाके की मजमू सिक्योरिटी सूरत हाल, शहरियों को दरपेश मसाइल के हल और क्याम अम के लिए मुश्तरक इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेड कमांडर बनो ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के टॉप 3 पोजिशन होल्डर से मुलाकात की। कमांडर ने इनकी गैर मामूली कामयाबियों को सराहा और हौसला अफजाई के लिए इनमें इनामात तकसीम किए। वादी तीरा में मकामी ब्रिगेड कमांडर की जेर क्यादत ज़खाखेल कबीले के मशरान पर मुश्तमिल जरगा हुआ। जरगे में इलाके में तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने, बाहमी हमाहंगी के फरोग और दरपेश मसाइल के सिलसिले में मौसर तदाबीर पर मुशावरत की गयी। कमांडर गुलाम खान टास्क फोर्स की जेर सदारत शमाली वजीरिस्तान की मुख्तलिफ अकवाम और मशरान पर मुश्तमिल जरगा हुआ। जरगे में गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर दस्तावेजी निजाम के निफाज और दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेड कमांडर लकी मरवत ने DPO लकी मरवत के हमरा गुज़श्ता हफ्ते शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों अब्दुलरहमान शहीद और वकार अहमद शहीद के आबाई घरों का ताजियती दौरा किया और शहदा के बुलंद दर्जात और इसाले सवाब के लिए फातिहख्वानी की। तहसील नवगई में बाजोड़ स्काउट्स के जेर एहतमाम नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए अमन क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया। 10 दिन तक जारी रहने वाली इस लीग में तहसील भर की 330 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 30 टीमें हिस्सा ले रही है।